राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ एवं पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के आह्वान पर बाड़मेर जिला परिषद एवं पंचायत समितियों में कार्यरत मंत्रालय कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए। राज्य सरकार द्वारा इनकी मांगों की अनदेखी करने व समझौता वार्ता में लिए गए निर्णय लागू नहीं करने के चलते मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। पंचायती राज और मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से सामूहिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वहीं कर्मचारी ऑफिस में काम नहीं कर रहे, इससे ऑफिस के कई काम अटक गए हैं। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से कई कार्यालयों के कमरे खाली नजर आए। कर्मचारियों का कहना है कि समय रहते सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो 17 अप्रैल से जयपुर में महापड़ाव किया जाएगा। इससे प्रदेश भर के कर्मचारी जुटेंगे। कर्मचारियों की मांग है कि 3600 पे ग्रेड अंतर जिला ट्रांसफर पदोन्नति प्रतिशत 17.92 से बढ़ाकर 53% किया जाए। साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि 4.5 साल से राजस्थान सरकार द्वारा किए गए झूठे वादों से परेशान होकर राजस्थान के मंत्रालय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बीते दिनों अपने विभाग के अधिकारियों को सामूहिक अवकाश का लेटर दे चुके हैं। कर्मचारियों ने अपनी तय हड़ताल के चलते सोमवार को कार्य का बहिष्कार कर सामूहिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वहीं कर्मचारी नहीं होने से ऑफिस में सीटें भी खाली नजर आई, लोगों को बिना काम करवाए ही लौटना पड़ा। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ एवं पंचायत राजस्थान पंचायत राज मंत्रालय का महासंघ के आह्वान पर आज बाड़मेर जिले के पंचायत राज के समस्त मंत्रालय कर्मचारी आज अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पे हैं। और राज्य सरकार यदि 17 तारीख तक इस पर कोई पॉजिटिव कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो 17 तारीख से जयपुर में महापड़ाव रखा गया है। पंचायत राज की हमारी मुख्य मांग ये है कि अन्य जितने विभाग हैं उन विभागों में मंत्रालय कैडर के 53% पद प्रमोशन से भरे जाते हैं और हमारी पंचायत राज के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे को 5% हमारे प्रमोशन के पद है। हमारी प्रथम मांग यही है कि अन्य विभागों की तरह 53% हमारे को प्रमोशन के पद मिलने चाहिए। द्वितीय मांग हमारी ये है कि जो बाड़मेर जिला है जैसे यहाँ 300 LDCS हैं जो अन्य जिलों के, उनके ऊपर विभाग ने जो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम है अधिनियम के अंदर कहीं हमारी ये रोक नहीं लगाई हुई है कि आप जिले से बाहर किसी का तबादला नहीं कर सकते, पर उन्होंने नियमों में ऐसा प्रावधान कर दिया है कि एक LDC जिस जिले के अंदर नियुक्ति पाएगा वो वहीं पूरी अपनी सर्विस 60 साल तक वहीं नौकरी करेगा जब तक वो 60 साल का रिटायरमेंट नहीं हो जाता। हम ये चाहते हैं कि सभी अंतर जिला ट्रांसफर हो जो अपने घर पर जाए, अलग वेतन भोगी है पहले से सैलरी कम मिल रही है और दूसरे जिले में बाहर बैठा हूँ उसका समस्या होगा। इस तरह हमारे टोटल 11 मांग है। मंत्रालय कर्मचारियों का कहना है कि समय रहते मांगे नहीं मानी गई तो 17 अप्रैल से जयपुर में महापड़ाव शुरू किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष चैनाराम नवाद का कहना है कि मंत्रालय कर्मचारी महासंघ एवं पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर सोमवार से सभी मंत्रालय कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर हैं। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 17 अप्रैल से जयपुर में महापड़ाव में सम्मिलित होंगे। हमारी मुख्य मांगे हैं कि एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर रोक हटाएं, कर्मचारियों की पदोन्नति प्रतिशत 17.92 से बढ़ाकर 53 किया जाए, ग्राम विकास अधिकारी एवं पर्यवेक्षक की तरह प्रथम प्रमोशन के पद वरिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 की जाए। केनाराम का कहना है कि 11 सूत्री मांगों को लेकर हमारा प्रदर्शन चल रहा है, 17 अप्रैल तक मांगे नहीं मानी गई तो 17 को जयपुर में महापड़ाव शुरू कर दिया जाएगा।